अयोध्या जो पुरी थी या अयोध्या की जो नगरी थी वो वास्तु पे ही आधारित थी। और वास्तु में जैसा आपने मॉडर्न एंड एंशियंट का जो वर्णन मुझसे पूछा है, तो पुराने जमाने में ये इसके मैंने चित्र भी अपने पुस्तक में दिए हैं, तो पूरी अयोध्या का लेआउट भी मेरी पुस्तक में दिया हुआ है। उसका जो लेआउट है आज के जमाने में, उस लेआउट को हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। तो ग्रिड पैटर्न क्या होता है? तो ग्रिड पैटर्न वो मैथमेटिक्स की बुक की तरह होती है, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस रहते थे, ठीक है। तो एंशियंट टाइम्स में, और मैं इसीलिए ये कह सकती हूँ क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन दिया हुआ है कि कि अयोध्या की नगरी कैसी थी, तो वो भी ग्रिड पैटर्न पे आधारित थी। और हमें ये पता रहता है, ये पता चलता है कि ग्रिड पैटर्न में बहुत सारी एंशंट हिंदू एंशंट सिविलाइजेशंस जो थी, जो हमें उनके रिमेन्स मिले हैं, वो भी ग्रिड पैटर्न में होता है। तो वो ग्रिड पैटर्न कैसा था? तो ये एक एग्जाम्पल है ग्रिड पैटर्न का। अगर आप देखेंगे तो आप स्क्वायर 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 देख सकते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रिड पैटर्न। तो ये ग्रिड पैटर्न आज के जमाने में न्यूयॉर्क जो है, अमेरिका में न्यूयॉर्क जो है, वो भी ग्रिड पैटर्न पे आधारित है। न्यूयॉर्क है, शिकागो है, एंड अमेरिका में बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जो ग्रिड पैटर्न पे आधारित हैं। आई थिंक चंडीगढ़ भी ग्रिड पैटर्न पे आधारित है, और अबू धाबी, दुबई, ये भी ग्रिड पैटर्न पे ही आधारित हैं। सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सिटी। अच्छा, दूसरी बात है कि वास्तुशास्त्र में और क्या है? तो वास्तुशास्त्र में ये भी लिखा है कि नॉर्थ फेसिंग हुआ करते थे। तो जितनी भी आपके जो जो ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं, वो नॉर्थ फेसिंग हुआ करता था। तो अगर हम जगह जगह पे अगर हम देखेंगे तो ये मेंशन आता है। और अगर हम पिरामिड्स को भी देखेंगे, सो द पिरामिड्स आर आल्सो फेसिंग नॉर्थ। और एक होता है नॉर्थ और एक होता है ट्रू नॉर्थ। जो कंपस में नॉर्थ आता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, वो ट्रू नॉर्थ नहीं होता है। तो ये सब ट्रू नॉर्थ को फेस किया करते थे, नॉट द मैग्नेटिक कंपस नॉर्थ। एंड वास्तु के ये जो टेनेट्स हैं, द वन ऑफ द फर्स्ट टेनेट ऑफ वास्तु इज ओरिएंटेशन। मैं आपको भी पांचों टेनेट बताऊंगी वास्तु के। टेनेट का मतलब होता है जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो सूत्र होते हैं उसके। तो दिल्ली में आज के दिन भी अगर आप वास्तु कंप्लायंट हाउस लेते हैं, जो वास्तु पर बना हुआ है, उसका प्राइस ज्यादा होता है। और वास्तु कंप्लायंट हाउसेस में सबसे पहली बात ये होती है कि वो आपको नॉर्थ एंट्री देते हैं। तो जैसे कि जिस घर में मैं रहती हूँ उसका भी नॉर्थ एंट्री है, वो वास्तु कंप्लायंट हाउस है, और मैंने उसको लिया भी। मैं उसमें रह भी इसीलिए रही थी क्योंकि वो वास्तु कंप्लायंट है। तो इसका एक प्रीमियम आज भी लोग लेते हैं और इसके बहुत अच्छे असर होते हैं। देखिए, अगर आपके साथ सब अच्छा चलता है तो आपको पता नहीं चलता है, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट देन इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस, देन यू नो दैट समथिंग मेंट रॉन्ग, एंड दैट इज ओनली, दैट इज द टाइम दैट यू लुक एट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद योर लाइफ। सो यू नो आई 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 एम सो इफ यू हैव ऑलरेडी लर्न इट, अगर आपने ये सब चीजें सीखी हैं तो आप ये सब अपने जहन में डाल के रखते हैं कि घर को ऐसे लेने से तरक्की होगी, यहाँ वनस्पत की आपके साथ कुछ बुरा हो। तो आपने वास्तु की बात की, तो मैं आप सबको, सभी श्रोताओं को ये बता दूं कि वास्तु के बेसिक जो मैं फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु बता देती हूँ। तो पहला प्रिंसिपल, पहला और दूसरा प्रिंसिपल होता है। तो पहला प्रिंसिपल होता है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन उसका नॉर्थ में होना चाहिए, प्लॉट का ओरिएंटेशन नॉर्थ में होना चाहिए। मेरे को बस इतने ही पॉइंट्स आते हैं क्योंकि मैंने बहुत ब्रीफली सीखा था वास्तु के बारे में। एंड द सेकंड इज द लेआउट ऑफ द प्लॉट। तो लेआउट ऑफ द प्लॉट से हमें क्या मतलब होता है? तो वो क्या रेक्टेंगल शेप में है, वो स्क्वायर शेप में है, वो कमल के शेप में है, किस शेप में है। जो तीसरा मेजरमेंट होता है वो मान कहते हैं। मान का मतलब होता है प्रपोर्शन, कि वो सब प्रपोर्शन में है कि नहीं है। इसी में हमारा ग्रिड पैटर्न भी आता है। ओके, ये मान में आएगा, ठीक है, क्योंकि सब प्रपोर्शन बनाना है, सबको प्रपोर्शनेट रखना है पूरे उसको, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ वास्तु है, ये बिल्डिंग के कंपोनेंट्स को लेकर के हैं। जैसे कि विमान का जो स्ट्रक्चर हुआ वो बिल्डिंग का कंपोनेंट है। किससे बना है? पत्थर से बना है, ब्रिक से बना है, कितने कमरे हैं।
तो ये बिल्डिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। और पांचवा जो होता है वो एस्थेटिक्स से रिलेटेड होता है। एस्थेटिक्स का मतलब है सुंदरता, सजावट, जैसे सोने की परत चढ़ाना, उसमें हीरे और जवाहरात जड़ने, ये पांचवे प्रिंसिपल पे आता है जो सजावट से रिलेटेड है। तो आई होप जो भी सुन रहा हो उसको वास्तु के बारे में थोड़ा सा पता चला हो, और ये सारे प्रिंसिपल्स अयोध्या में फॉलो किए जाते थे।